आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का नाम है जैसे को तैसा। जी हाँ, वैसे मैं भी इस चीज में बहुत बिलीव करती हूँ कि आप जैसा करते हो आपको वैसा ही मिलता है, आपके साथ लोग वैसे ही पेश आते हैं जैसा आप लोगों के साथ पेश आते हो। खैर, चलिए हम अब आपको सुनाते हैं आज की कहानी। एक जगह पर जीन धन नाम के बनिए का एक लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन एक मन भर भारी लोहे की तराजू जरूर थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वो विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर यानी कि वो तराजू मांगी। महाजन ने कहा, वो लोहे की तराजू तो चूहे ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वो उस तराजू को देना नहीं चाहता है, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं था, कोई उपाय भी नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहे ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं, और तुम इसकी चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वो भी नहा आएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उनके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहाँ से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, जिससे वो बचकर भाग ना पाए। उसे वहाँ बंद करने के बाद जब महाजन के घर आया तो महाजन ने उससे पूछा कि मेरा लड़का कहाँ है, वो भी तो तुम्हारे साथ गया था स्नान करने। बनिए ने कहा, उसे चील उड़ा ले गई। महाजन ने कहा, ये कैसे हो सकता है, कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है क्या? तो बनिए ने बोला, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते, तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे। इसी तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुँचे। वहाँ न्यायाधिकारी के सामने महाजन ने अपनी दुख कथा सुनाते हुए कहा, इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। धर्माधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे दे दो। बनिया बोला, महाराज, उसे तो चील उठा ले गई। जिस पर धर्माधिकारी जो था उसने कहा, क्या कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है क्या? जिस पर बनिए ने कहा, प्रभु, यदि मन भर तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चों को उठाकर ले जा सकती है। धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने अपनी तराजू की वृत्तांत कथा यानी कि पूरी कहानी सुना दी, और इसके बाद तो फैसला हम सब जानते हैं कि बनिए के ही हक में हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से जो शिक्षा हमें मिलती है वो ये कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा अपने अच्छे कर्मों में बिलीव करना चाहिए और उनको ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप करते हैं आपको बिल्कुल वैसा ही मिलता है। चलिए फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ विदा, कि फिर मुलाकात होगी एक छोटी कहानी से जो आपको देगी एक बड़ी सीख।